guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and safe at your place. So guys, as we all know that Valentine's Day is just around the corner. So मैंने सोचा कि मैं बहुत cute cute से video बनाऊंगी और मैं दो videos बनाऊंगी. पहली video में मैं आपको makeup दिखाऊंगी अगर मैं एक date पे जाती तो मैं कैसा makeup करती. और दूसरी video में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ cute cute से outfits कि आपको idea मिल सके कि अगर आप एक date पे जा रहे हो और Valentine's Day पे जा रहे हो तो आपको क्या पहनना चाहिए. मैं सजेशन दे रही हूँ बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मैं खुद कभी डेट पे नहीं गई हूँ. मैं भी नहीं गई. अबे भाई मैं 21 साल की हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, तेरे को कौन पूछेगा. और ना ही मैंने कभी वैलेंटाइंस डे मनाया और मुझे मनाना भी नहीं है क्योंकि मुझे ये चीजें पसंद नहीं है पहली चीज तो. और दूसरी चीज ये कि ये वीडियो मम्मी देखेगी तो ऐसा बोलना पड़ा. एक सेकेंड, पिछले दो वैलेंटाइंस डे पे आप बाहर जा रही हो घर से. एक सेकेंड, कोचिंग का बहाना लगा की ऐसा थप्पड़ मारूंगी. कोचिंग का बहाना, दो सालों से लॉकडाउन है, ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, कोरोना बाबा ने मार रखा है. हाँ कुकू, एकदम सारे शोर मचा के जाओ. अबे ओ, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. मैं आपकी हेल्प करूं? ठीक है, मेरे को मॉइस्चराइजर दो सबसे पहले. दो, अरे दोनों. तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे, ये वाला. इसको जल्दी से लगाते हैं. ओ मेरा चश्मा. स्किन लेंस में क्रैक आ गया. सॉरी, मैं कभी बात नहीं कर पाऊंगी आपसे. इधर हुआ है बेटा, इधर. तो उसके बाद हम लगाएंगे ये प्राइमर जो कि है इनसाइड कंपनी का. को अब हम लगाएंगे, व्हाट इज दिस, कंसीलर. कंसीलर लगाएंगे अब हम एले गर्ल का. चप्पल दीदी देखना, वो चप्पल आ रही है क्या. अब इस ब्रश की हेल्प से हम इसको ब्लेंड करते हैं. इसके बाद हम लगाएंगे इसको बेक करने के लिए ये फिट मेकअप पाउडर. इसके बाद हम कोई लेते हैं आई शेडो. यहाँ पे एले कलर्स की पैलेट यूज कर रहे हैं जिससे यहाँ पे मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ. सबसे पहला इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर, हैव टू ब्लेंड दिस आउट. ये मेरे पास एक छोटा सा आई शेडो है जिसका नाम है NY Bay ब्लिंकिंग आई शेडो मिक्स डाउन 24. तो इस वाले आई शेडो को मैं अपनी आईज पे लगाऊंगी, ये वाला शेड लूंगी. जब भी किसी की शादी होती थी और विदाई पे कोई रोता था तो कि मैं भी कभी सासू के घर नहीं गई. वो ये था कि मैं रो रही थी पापा की गोदी में तो पापा बोलते कि, मैंने कहा ये क्यों रो रहे हैं सब, तो पापा बोलते क्योंकि ये सासू के घर जा रही है. तो मैं रोने लग गई, मुझे भी जाने में कभी नहीं गई सासू के घर. ओके, इसको अच्छे से ब्लेंड करो. अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी के जैसा एक और पैलेट है हमारे पास जिसका नाम है NY ग्रैंड टर्मिनल 13. ग्रैंड टर्मिनल 13 नाम है इसका. अब इससे हम देखो बताती हूँ अभी क्या करते हैं. रिया इसके बाद हम लाइनर लेंगे और लाइनर से हम एक प्यारा सा विंक लाइनर बनाएंगे. यस, बस इतना ही. दूसरी आई पे भी सेम. इट्स डन. अच्छा लग रहा है गुनगुन? हाँ. मेरे आज बाल इतने गंदे हो रहे हैं. वोल्डेमॉर्ट स्नेप अली फ्लैला.
ओके फॉर द आईब्रोज आई एम टेकिंग दिस ब्रश जिसके पीछे इसे स्मज करने का भी है प्लस ये भी है आई एम यूजिंग दिस पैलेट चलो इसको और पता है क्या हुआ यार ये टूट के गिर गया फिर मुझे इसको जोड़ना पड़ा पहली आईब्रो डन अब दूसरी आईब्रो भी सेम ओके अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक एनके मेकअप का शुगर प्लम का पैलेट है जिससे हम ये पिंक कलर लेंगे और अपनी लोअर लैशेस पे लगाएंगे पिंक है ना थोड़ा सा वैलेंटाइन वाइब्स आनी चाहिए ना गुनू उसके बाद हम लगाएंगे ये फाउंडेशन मेरा ये वाला शेड का नहीं है मैंने ऑनलाइन परचेज किया था जिसकी वजह से ये आया मेरी दूसरी शेड का मतलब मेरी जो शेड नहीं है उसका तो हम ये वाला भी इसके साथ मैच और मिक्स करके कुछ बनाएंगे मेरे ड्रेस पे ना कैसा है कोई हटो बनो रुक जाओ और एक और लेंगे ये लो ये लो ये लो आप इसको बंद करो इतने ये हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने थोड़ा सा शुगर का फाउंडेशन लगाया था जो सेकंड शेड था ना वो वाला अब हम इसे बेक करेंगे फिट मी के कॉम्पैक्ट मैं पाउडर भी कॉम्पैक्ट भी बोली थी फैम ऐसे निकल रहा था व्हाट आर यू डूइंग पागल अब हम करेंगे कॉन्टोर तो कॉन्टोर के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ शुगर की पैलेट और यहाँ से ये वाला कॉन्टोर ले रही हूँ इसको लेंगे ऐसे लगाएंगे फिर इस पे हंसी की तू और इसको ब्लेंड करेंगे पर ब्लेंड करने से पहले मैं सारी जगह लगा लेती हूँ छोटे होंठ बनाओ मुझे अब तब अच्छी लगती हो और छोटे और छोटे ऊपर भी लगाओ यहाँ भी यू वॉन्ट थोड़ा सा यू नो ऐसा मुंह लाने के लिए उसके बाद हम लगाएंगे ये मिस क्लेयर का ब्लश और इसको लाओ क्लियर इसको लगाते हैं तो यहाँ पे मैं ये वाला कॉन्टोर ये क्या है हाइलाइटर मिराज यूज करके और अपनी चीक्स को हाईलाइट कर रही हूँ एवरीथिंग इज डन नाउ यू आर गुड टू गो बस आपको फर्स्ट लास्ट चिची भूल गई तो ये दोनों थोड़े थोड़े ऐसे मिक्स से कलर है तो हम इनको लगा शेड्स तो बता दो ये मैंने NY बे से लिए थे बाय वन गेट वन फ्री था और इनका शेड का नंबर है इसका ओके ये है पहला जो मैं शेड लगा रही हूँ दैट इज स्नोफ्लेक किसेस 8 तो इसको पहले एज अ लिप लाइनर यूज करते हैं वैसे मुझे पसंद नहीं है डार्क लिपस्टिक पर मैं लगा रही हूँ ओके इस पे भी क्या मैं आपका हाथ हिला सकती हूँ थोड़ा नहीं उसके बाद हम जो यूज कर रहे हैं सीक्रेट्स तो सब पढ़ लिया अगर जो बिना पढ़े मेरे को पता था कैसे पता क्योंकि था क्योंकि मैंने ये ऑर्डर की थी ये लगाते हैं अब स्नगल सीक्रेट्स दूसरी है हाँ थोड़ा सा डार्क सा तो आया ओके तो मैं अपनी फर्स्ट लैशेस लगा के आती हूँ प्लस अपने इयररिंग्स पहन के आती हूँ
सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये वीडियो देखने में मजा आया. ये तो ऐसे टेढ़ी होके क्यों खड़ी है और आपको ये लुक अच्छा लगा जो मैंने क्रिएट किया है, और आप भी ऐसा ही कुछ लुक क्रिएट करोगे, और अगर करोगे तो मुझे भी भेज देना फोटो, मैं भी देखूंगी आपने कैसा किया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. बाय बाय.